टीचर की डांट से घर छोड़कर भागा नाबालिग छात्र अरुण धाकर रेलवे स्टेशन पर मिला। पुलिस ने सुरक्षित परिजनों को किया सुपुर्द। शिवपुरी कोतवाली थाना क्षेत्र के चंद्रा कॉलोनी से दो दिन पूर्व गुम हुए नाबालिग छात्र की कोतवाली थाना पुलिस ने शिवपुरी रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद कर लिया। नाबालिग छात्रा के मिलने से परिजनों ने राहत की सांस ली। यह आपको बता दें कि चंद्रा कॉलोनी निवासी कक्षा सातवीं का छात्र अरुण धाकड़ नवाब साहब रोड पर ट्यूशन पढ़ने जाता था। ये ट्यूशन टीचर ने अरुण धाकड़ को चाटा मारकर डांट दिया, जिस वजह से अरुण नोटबुक में एक सुसाइड नोट लिखकर घर छोड़कर चला गया था। जैसे शुक्रवार की तरह देर रात कोतवाली थाना पुलिस ने शिवपुरी रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद कर लिया। देखिए क्या कुछ कहा इस बारे में कोतवाली TI विनय यादव ने। सर, कोतवाली थाना क्षेत्र से दो दिन पहले एक नाबालिग गायब हो गया था, पुलिस ने उसको दस्तयाब किया है। कहाँ से दस्तयाब किया है सर, क्या कुछ मामला है? ये दिनांक 20 तारीख की शाम को करीब नवाब साहब रोड पर से अपने दुर्ग सिंह धाकर थाना पर रिपोर्ट करने आए थे कि मेरा लड़का कोचिंग की कह के गया है, जो अभी तक वापस हो गया है। उनकी रिपोर्ट पर से धारा 363 के तहत अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कायमी की गई थी, जिस पर से आज दिनांक रात्रि करीबन 12 बजे शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर उनके अपहृत बालक को दस्तयाब किया गया है और परिवार को सुपुर्द किया गया। सर, बालक कहाँ चला गया था? वो गुस्सा होकर ग्वालियर तक चला गया था, बता रहा है। वापस लौट कर अपने शिवपुरी में आया है, उसे दस्तयाब हुआ, उसके परिवार को सुपुर्द किया।